हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज हम आपके कुछ और 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम है किस विटामिन का? तो करेक्ट आंसर है आपका विटामिन सी। और भी बाकी विटामिन के आप लोग देख लेना किसको क्या बोला जाता है, ठीक है? सबके साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजनरी लाइन लोकेटेड एट 0° लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, ये आपका अर्थ होता है जैसे, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका इक्वेटर, तो कौन सी लाइन होती है जो दो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है? कल भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें ईस्ट एंड वेस्ट था। आज हमसे पूछा है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ और साउथ में कौन करता है आपका? इक्वेटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया इन अफ्रीका इज, ये अगेन इंपॉर्टेंट, इसका करेक्ट आंसर है अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की कैपिटल आपको बतानी है। कल हमने दमन एंड दीव का किया था, आज हम किसका कर रहे हैं? लक्षद्वीप का। तो इसकी है आपकी कावरती। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैगेसे अवार्ड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने भारत रत्न देखा था, तो आपको आप लोगों ने आंसर्स किए थे उसके। इसका करेक्ट आंसर है आपका विनोबा भावे, कब मिला था? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म पाकिस्तान? पाकिस्तान टर्म को आपका किसने बोला था, कॉइन किया था? करेक्ट आंसर है आपका चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया? कौन थी आपकी? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब किया जाता है आपका? 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बहुत, नेशनल एंथम जनगणमन वॉज फर्स्ट संग ऑन, कब गाया गया था आपका सबसे पहले? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, जब आपका कलकत्ता सेशन हो रहा था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, इन टर्म ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर क्या है आपका? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी? किसने फाउंड की थी? करेक्ट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्ट डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ को कौन से आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है? यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि दिल्ली को भी किसी ने डिज़ाइन किया है, कौन है वो आर्किटेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ली कॉर्बुसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री लाइन डेमेक्रेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या बोला था आपका? रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर बिल्ड जामा मस्जिद? जामा मस्जिद किसने बनाया था आपका? करेक्ट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज? कौन सा होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? कौन थी? बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT? GMT आपकी देखो 0° लाइन होती है, ठीक है? तो अब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या है? +5:30, आपके इसमें लिखा हुआ था ना GMT IST +5:30, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका कितने आगे है, मतलब +5:30, ठीक है? नेक्स्ट है, वट इज़ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड दैट डज नॉट रिपीट अ लेटर? Uncopyrightables, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी बिल्ट खजुराहो टेम्पल? कौन सी डायनेस्टी ने बिल्ड किया था? चंदेलीज। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ वेनेगर इज? वेनेगर का साइंटिफिक नेम बताना है क्या है? करेक्ट आंसर इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन होता है हमारे हमेशा वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो उसमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लास्ट वाला फंडामेंटल राइट, दैट इज द 6th नंबर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है, द येल्लो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? किसकी वजह से आपका कलर येल्लो दिखता है? करेक्ट आंसर है आपका कैरोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बट विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज चिल्का लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? कौन थे उसके? करेक्ट आंसर है आपका MS स्वामीनाथन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? एनीमोमीटर. नेक्स्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फसल्स इज कॉल्ड, क्या बोली जाती है? करेक्ट आंसर इज पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक बार बार पूछा जाता है कि कौन है इसके राइटर? हु रॉट द बुक अ मिलीनियन मुटिनीज नाउ? करेक्ट आंसर है VS नायपॉल. नेक्स्ट, विच वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इफेक्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बंगालीज को अलग कर दिया गया था, इंडिया का पार्टीशन किया गया था. कौन थे उस समय वॉइसरॉय आपके? लॉर्ड कर्जन. ठीक है, किस बेसिस पे किया था? बंगाली स्पीकिंग को अलग कर दिया था, इंडियंस को अलग. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लॉर्ड कर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो होता है दोनों का आपका? 1:8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर है आपका इसका कार्ल लैंडस्टीनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वॉज ओरिजिनली नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? तो इसका शॉर्ट नेम भी आता है NEFA. ठीक है, तो NEFA का फुल नेम याद रखेंगे. करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कनेक्ट द पैसिफिक ओशन टू द एटलांटिक ओशन? देखिए स्टेट पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो आपको बाकी ओशंस को कौन से स्टेट कनेक्ट करते हैं वो भी देख लेना है साथ में. ठीक है, और उससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इसमें आपको इसकी कैपिटल देख लेनी है क्या है, और यहाँ पे अभी गवर्नर कौन है और CM कौन है, दोनों चीज़ भी आप लोग देख लेंगे साथ में. ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका रिवाइज होता रहेगा साथ साथ में. तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है इस क्वेश्चन में, वो किस किस को पूछा है? पैसिफिक ओशन और एटलांटिक ओशन को. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टेट ऑफ मैगेलन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली? चिली देखिए, कंट्री चिली इसलिए पड़ा है बिकॉज अगर आप इसको मैप में देखेंगे ना तो ये चिली के शेप में है, इसलिए इस कंट्री का नाम क्या है आपका? चिली. ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या है आपका? कैपिटल क्या है? सैंटियागो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द अर्थ क्रस्ट विच केमिकल एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 47% इन टर्म ऑफ वेट? ठीक है, अब देखो अर्थ की तीन लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर. तो आपसे क्या पूछा है? क्रस्ट के उस पर पूछा है. ठीक है, बाकियों का भी नाम याद रखेंगे, मेंटल और कोर भी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑक्सीजन. और क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों में कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो भी आप लोग देख लेना एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल आपका यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, ट्रू एंड फॉल्स? तो इमल्शन क्या होता है? दो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि मिल्क आपका एग्जाम्पल है या नहीं है, तो ये आपका एग्जाम्पल है, दैट इज द ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन बॉर्न फिजिशियन इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है इसका नरेंद्र सिंह कपनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर बॉडी सेपरेट द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड? चैनल का नाम हम लोग ने ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, दैट इज 10° चैनल. इन विच सिटी द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सिचुएटेड? कहाँ पे है ये स्पोर्ट्स? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका पटियाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? ऐसे भी पूछ देते हैं ना एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ मोबाइल फोन? किसको हम लोग एज द फादर ऑफ मोबाइल फोन कंसिडर करते हैं? करेक्ट आंसर है मार्टिन कूपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्रा इज एड्रेस इन विच हिंदू गॉड्स? किस गॉड को एड्रेस किया जाता है? दैट इज सूर्या. ठीक है, अब गायत्री मंत्र आपका किस वेद से एसोसिएटेड है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद. तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऋग्वेदा. ठीक है, तो ऋग्वेदा में 10th मंडल में गायत्री मंडल के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में बोला गया. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गायत्री मंत्र किस से एसोसिएटेड है? ऋग्वेदा से.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स? कौन सा एलिमेंट आपका नेसेसरी प्रेजेंट होता है ऑल एसिड्स में? करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल गेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल? कौन सा ऑर्गन आपका बाइल प्रोड्यूस करता है? दैट इज लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप ऑफ विच एलिमेंट? कौन से एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हैं? दैट इज कार्बन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव टेकन ऑल 10 विकेट्स इन अ टेस्ट इनिंग? इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर है आपका अनिल कुंबले. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या होती है मिनिमम एज लिमिट? दैट इज 35 ईयर्स. ठीक है. तो आई होप ये सीरीज आप लोगों के रिवीजन में हेल्प कर रही होगी. स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तब तक अच्छे से पढ़िए. ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक.